कृष्णो रक्षतु नो जगत्रयो गुरुः कृष्णं न मध्यं सदा कृष्णेन अखिल शत्रुभो विनिहितः कृष्णाय तस्मै नमः कृष्णादेव समुत्थितं जगदिदं कृष्णस्य दास दासोऽस्मि अहं कृष्णे तिष्ठति विश्वमेतदखिलं हे कृष्णो रक्षस मां कृष्णो रक्षतु नो जगत्रयो गुरुः कृष्णं न मध्यं सदा कृष्णेन अखिल शत्रुभो विनिहितः कृष्णाय तस्मै नमः कृष्णादेव समुत्थितं जगदिदं कृष्णस्य दासोऽस्मि अहं कृष्णे तिष्ठति विश्वमेतदखिलं हे कृष्णो रक्षस्य मां गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए पर तत्व का साक्षात्कार कैसे मिल सकता है, पर तत्व का साक्षात्कार कैसे मिल सकता है, पर तत्व का साक्षात्कार कैसे मिल सकता है। वो बात कह रहे हैं इस जगत में पर तत्व साक्षात्कार लाभ होता नहीं, यहां ये जगत में पर तत्व का साक्षात्कार लाभ होता नहीं। हम लोगों का वर्तमान जो नश्वर नाशवान जो इंद्रियादि के द्वारा पर तत्व का पास पहुंचना संभव नहीं। हम लोगों का जो वर्तमान नश्वर नाशवान जो इंद्रिया आदि इंद्रियोग्राम है, ये सब इंद्रियों का सहायता लेकर पर तत्व का निकट करीब पहुंचना संभव नहीं है। तो फिर क्या रास्ता है? प्रभुपाद कहते हैं रास्ता एक ही है। जब हम लोग निष्कपट रूप से सेवोन्मुख सेवा करने के लिए उन्मुख हो जाए, जब हम लोग निष्कपट सेवोन्मुख हो जाए तो परतत्व स्वयं कृपा पूर्वक अवतीर्ण होके हम लोगों का इंद्रियों का तमाम बहिर्मुख भाव को खत्म करके इंद्रियोग्राम हमारा इंद्रियोग्राम को सेवा करने का लायक बना देता है, सेवा करने का लायक बना देता है। यदि अगर हम लोग परतत्व भगवान का सेवा करने के लिए कोई आकांक्षा इच्छा बा यत्न हम लोग अगर तैयार ना हो जाए तो माया का वस्तु से हम लोग का कोई निस्तार नहीं है, माया का हाथ से कोई निस्तार नहीं है। यदि अगर हम लोग परतत्व भगवान का सेवा करने के लिए आग्रह ना करें, इच्छा ना प्रकट करें, तो फिर दूसरा चीज कृष्णेतर वस्तु का या तो माया का वस्तु का सेवा ये करना ही पड़ेगा। माया का हाथ से कोई निस्तार मिलना संभव नहीं। एक्चुअली जड़ो शरीर के द्वारा भगवान का सेवा होता नहीं, आत्मा का द्वारा भगवान का सेवा होता है। आत्मा का द्वारा परमात्मा का सेवा संभव है, आत्मा का द्वारा परमात्मा का सेवा होता है, आत्मा का द्वारा परमात्मा का सेवा होता है, जड़ शरीर के द्वारा भगवान का सेवा नहीं होता है।
सेवा लाभ का रास्ता एक ही है, वो शरणागति। अगर हम लोग का अंदर में अभिमान रहे, अगर हम लोग का अंदर में अभिमान रहे, अपना ऊपर भरोसा रहे, हम किसी से कम नहीं, ऐसा अगर विचार रहे, तो कभी भी हम लोग परतत्वों का बारे में जानकारी नहीं ले सकते। भगवान के ऊपर परिपूर्ण रूप से विश्वास डिपेंड निर्भर करने से भगवान के ऊपर संपूर्ण रूप से भरोसा करने से बस कम बन जाता है। भगवत सेवा करने गया भगवत सेवा अगर करने गया तो कि अगर भगवत सेवा करने गया तो जड़ जगत का जो कर्तव्य कर्मों कुछ छूट गया तो इसके लिए अफसोस करने का कोई कारण नहीं है। शोक करने का, अफसोस करने का कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है, अफसोस करने का कोई कारण नहीं। परोतत्व का सेवाहीन होने से जागतिक परोपकार में नियुक्त होता है। परोतत्व का सेवा नहीं करने से तरह तरह का ड्यूटी आ जाता है। परोतत्व का सेवा नहीं करने से तरह तरह का विचार आता है। परतत्व का सेवा नहीं करने से तरह तरह का विचार आ जाता है, कर्तव्य आता है, हमारा समाज के लिए कर्तव्य है, संसार के लिए कर्तव्य है, सब तरह तरह का विचार आ जाता है, तरह तरह का विचार आ जाता है हमारे सामने। ऐसा ही नियम है, क्या करें। माया का सेवा कर्तव्य बोलकर महसूस होने लग जाता है, किंतु अगर आत्मा का एकमात्र रक्षक, किंतु अगर आत्मा का एकमात्र रक्षक वस्तु, एकमात्र नित्य आकांक्षा परतत्व, परतत्व का नित्य सेवा, सबसे पहले आचरण करना चाहिए, इसी में ही मंगल होता है। नहीं तो ये संसार में ही रहना पड़ेगा, नहीं तो ये संसार में ही रहना पड़ेगा और कुछ रास्ता है नहीं, संसार में ही रहना पड़ेगा, नहीं तो ये संसार में ही रहना पड़ेगा, क्या करें। संसार से कोई छुटकारा है नहीं, यहाँ ही रहना पड़ेगा। ब्रह्म संगीता से श्री ब्रह्म संगीता का चर्चा करते हुए हम लोग काल योग निद्रा योग माया का अर्थ क्या है और कैसे कैसे पूरा तमाम सृष्टि का रहस्य कैसे उन्मोचन किया, इसका बारे में चर्चा किया। बाद में 20 नंबर श्लोक के द्वारा चर्चा करने की कोशिश की, जो जो इत्वा तु तानि एव प्रविवेश स्वयं गुहाम गुहाम प्रविष्टे तस्मिंस्तु जीवात्मा प्रतिबुद्धते।
ये सब अलग अलग जो तत्व है तमाम तत्वों को संयोग करके हार्मोनाइज करना है। इसके बाद माइक ब्रह्मांडों का प्रकाश होता है, तमाम तत्व ग्राम को एक साथ हार्मोनाइज करने से, संयोजन करने से अनंत माइक ब्रह्मांडों प्रकाश कर प्रकाश करके भगवान स्वयं गुहायम अर्थात प्रत्येक विराट विग्रह का अंतस्थले प्रवेश करें। कर्णोनोसाई ये सब करने के बाद में एक एक ब्रह्मांडों का अंदर प्रविष्ट हो जाता है, विराट विग्रह अंतस्थले प्रवेश कर। इसी समय पिछले प्रलय काल से लेकर जो सब जीवात्मा अपना अपना कर्मकल कर्मफल लेके प्रतीक्षमान है अगले सृष्टि के लिए, ये लोग प्रबुद्ध हो जाता, प्रबुद्ध माने जागृत हो जाता। प्रलयकालीन निद्रागत जीव समूह प्रतिबुद्ध अथवा जागृत हो जाता है। तात्पर्य ये है, शास्त्र में बहुत जगह गुहा शब्दों का व्यवहार देखा जाता है। ये गुहा शब्दों का बहुत सारे अर्थ होता है, कभी किसी जगह अप्रकट लीला को हो लीला को भी गुहा बोला जाता है, कभी कभी वैष्टि अंतर्जामी स्थान को भी गुहा बोला जाता है। बहुत जगह प्रति हर जीवों का हृदय विवर अंतकरण को गुहा बोला जाता है। मूल तात्पर्य ये है जे साधारण का सामने अप्रकाशित जो तत्व है स्थान, यही गुहा है। और जीवात्मा अर्थात पूर्व कल्प में, जीवात्मा अर्थात पूर्व कल्प में जो सब जीव प्रलय समय ब्रह्मा का जीवन अवसान में से हरि में लय प्राप्त होके पड़ा हुआ था, ये लोग फिर जागृत हो जाता। ये लोग पूर्व पहले पूर्व संस्कार पूर्व सृष्टि का समय जिस संस्कार कामना वासना कर्म वासना लेकर भगवान का अंदर में समा गया था वो लोग फिर प्रकाशित हो जाते, फिर प्रकाशित हो जाता और इस सृष्टि में फिर अपना अपना कर्मफल के अनुसार इसका वासना कामना के अनुसार फिर ये लोग लग जाते हैं। और ने 21 नंबर श्लोक में बताया गया, स नित्यो नित्य संबंध हो प्रकृतिश्च परैवसा। क्या बताए, स नित्य नित्य संबंध हो प्रकृतिश्च परैव सा। यही जीव जो अनगिनत जीव जो है ये नित्य है, ये कोई कभी आजकल जन्म लिया ऐसा कोई बात नहीं। भगवान ने गीता में भी बताया, नित्यो शाश्वत वयम न हन्नते हन्नमाने शरीर। नित्य विराजमान है, इसीलिए बताया श्लोक में, स नित्यो नित्य संबंध प्रकृतिश्च परैवसा। वही जीव नित्य है और भगवान का साथ अनादि अनंत काल व्यापी नित्य संबंध
विशिष्ट ये जीवात्मा को परा प्रकृति माना गया। परा प्रकृति सनित्यो नित्य संबंध सनित्यो नित्य संबंध प्रकृतिश्च परैवसा। वही जीव नित्य भगवान का साथ अनादि अनंत काल व्यापी नित्य संबंध विशिष्ट और ये है परा प्रकृति। तात्पर्य ये है जैसे सूर्य भगवान है सूर्य और इनके जो रे लाइट रे रश्मि जाल जैसे सूरज का साथ सूरज का जो लाइट रे एमिट कर रहा है ये नित्य संबंध है। सूर्यो तदियो रश्मि जाले ये नित्य संबंध है। ऐसे ही चिन्मय सूर्य भगवान और जीवगणों का ऐसा ही नित्य संबंध है। जीवगणों का ये भी नित्य संबंध है। जीवगण चित सूर्य भगवान का चित किरण कौन सो माइक वस्तु का नय इनके अनित्य भाव नहीं है। किरण कणत्व प्रयुक्त जीवगण कृष्णों का जो गुणावली है गुणगण का कण स्वरूप लाभ किया है। अर्थात कृष्णों का अंदर में जो परिपूर्ण रूप में जो सब अनंत गुण अनंत रूप संबंध है जीवों का अंदर में भी भगवान का ही गुण वो एक ही गुण है लेकिन अत्यंत क्षुद्र परिमाण में। किरण कणत्व प्रयुक्त जीवगण कृष्णों का गुणगणों का कण स्वरूप लाभ किया है। सो जीव ज्ञान स्वरूप गायत्री स्वरूप जीव ज्ञान स्वरूप उसके बाद गायत्री स्वरूप अहंगता भाव स्वरूप भक्ति स्वरूप और कर्त्री स्वरूप मंत्री स्वरूप सिर्फ इतना ही पार्थक्य है। कृष्ण विभू वस्तु है और जीव अनु है यही परस्पर भेद है और भेद नित्य है। यद्यपि भेदाभेद संबंध में जुड़ा हुआ है फिर भी भेद प्रमिनेंट है। भेद अगर प्रमिनेंट नहीं है तो फिर अचिंत भेद तत्व का कोई माने है। नित्य संबंध यही है जीव नित्य भगवत दास भगवान इनके नित्य प्रभु है। भगवत रस संबंध में भी जीवों का यथेष्ट अधिकार है। अगर अधिकार लाभ करना चाहे तो उसी का मुताबिक चलना पड़ेगा। भगवत रस में जीवों का अधिकार है भगवान ने अधिकार रखा है रख दिया लेकिन ये अधिकार का जो है इसको साबित करना है अधिकार को। नित्य संबंधो ये जो जीव नित्य भगवत दास एवं भगवान इनके नित्य प्रभु भगवत रस संबंध में भी अर्थात भगवान का साथ
दास्यो सक्षो वात्सल्यो मधुर, ये जो है ये सब रसों का एक्सचेंज कर सकता है, यथेष्ट अधिकार है। इसीलिए गीता में भगवान बताया, अपरमेयस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। ये गीता का वाक्यों के द्वारा, गीता का ये प्रवचन के द्वारा जीव जो कृष्ण का पराशक्ति है, ये समझा जाता है। ये जो जीव जो कृष्ण का पराशक्ति है, ये श्लोकों के द्वारा इसको पता चलता है। शुद्ध जीवात्मा का समस्त गुण अपरा प्रकृतिगत, शुद्ध जीवात्मा का समस्त गुण ही अपरा प्रकृतिगत अहंकारी अष्टगुण का अतीत है। शुद्ध जीवात्मा का जितना सारे गुण है, ये अपरा प्रकृति का अंतर्गत, अपरा प्रकृति का अंतर्गत अहंकार आदि अष्टगुण का अतीत है। शुद्ध जीवों का समस्त गुण मतलब प्रकृति के द्वारा स्पर्श योग्य नहीं है, प्रकृति का परे है। शुद्ध जीवात्मा का तमाम गुणावली परा प्रकृतिगत अहंकार आदि अष्टगुण का अतीत है। सौ जीव शक्ति क्षुद्र होने से भी माया से भी श्रेष्ठ है। सौ जीव शक्ति क्षुद्र होने से भी माया शक्ति से श्रेष्ठ है। सो जीव शक्ति क्षुद्र, कृष्ण शक्ति विष्णु शक्ति पराप्रक्ता, विष्णु शक्ति पराप्रक्ता, विष्णु पुराण का विष्णु शक्ति पराप्रक्ता क्षेत्रोज्ञाख्या अथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्वति। सो जीव शक्ति क्षुद्र होने से भी माया से भी श्रेष्ठ है। विष्णु शक्ति परापक्ता क्षेत्रोज्ञाख्या अथा परा अविद्या कर्म संज्ञाना तृतीया शक्ति ऋष्वति। जीव शक्ति क्षुद्र होने से भी माया से श्रेष्ठ है, क्योंकि माया मतलब अपरा प्रकृति का अंतर्गत अजीव शक्ति क्षुद्र होने से भी ये श्रेष्ठ है। ये शक्ति का दूसरा नाम ततोषा शक्ति, और ये जो है माया और चित, माया जगत और चित तत्व का मध्य रेखा अवस्थित हो। ये ततोषा शक्ति माया का जगत अच्छी जगत का बीच में जो एक फाइन डिमार्केशन है वहाँ अवस्थित है, बड़ा क्षुद्र है। अनुत्त प्रयुक्त माया का लपेट में आ सकता है, बड़ा क्षुद्र है। अनुत्त प्रयुक्त माया का चपेट में आ सकता है, लपेट में आ सकता है, किंतु माया का प्रभु कृष्ण का वशीभूत होने से, माया का जो प्रभु भगवान का वशीभूत होने से, और माया कुछ कर नहीं सकेगी। क्षुद्र होने के नाते, बड़ा 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 ही क्षुद्र होने के नाते, ये माया का
चपेट में आ सकता, माया का लपेट में आ सकता, किंतु जब प्रभु भगवान का चरण में आत्मसमर्पण कर देती है, देता है, अर्थात भगवान कृष्ण का वशीभूत रहने से और माया कुछ नहीं कर सकी, कुछ नहीं कर सकी और कुछ नहीं कर सकी, कृष्ण का वशीभूत रहने से और माया का बस होने का कोई जरूरी नहीं है, माया बस होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अनादि मायाबद्ध जीवों का संसार क्लेश और पुनरावृत्ति, मायाबद्ध जीवों का संसार क्लेश और पुनरावृत्ति होते रहता है, ये होते रहता है, ये साइक्लिक ऑर्डर, पुनरूपि मनोरम पुनरूपि जननम पुनरूपि मातृ जठरे शयनम, ये होते, ये तो होते रहेगा, ये बंद होने का कोई चांस नहीं है। तो इसीलिए श्लोक का सुंदर व्याख्या है, स नित्यो नित्य संबंध प्रकृतिश्च परैषा परैवसा, स नित्यो नित्य संबंध प्रकृतिश्च परैवसा, स माने जीवात्मा का बारे में बताया गया। इसके बाद अभी 22 नंबर में आता है, एवं सर्वात्म संबंध्यम नाभ्याम पद्मम हरेर अभूत तत्रो ब्रह्म अभवत भूयो चतुर्वेदी चतुर्मुखः। इस सृष्टि का रहस्य चल रहा है, यहां बताया गया एवं सर्वात्म संबंध्यम नाभ्याम पद्मम हरेर अभूत तत्रो ब्रह्म अभवत भूयः चतुर्वेदी चतुर्मुखः, माने उस समय विष्णु का नाभि कमल से एक पद्म उत्थित हुआ और यही जो पद्म है जो विष्णु का नाभि देश से पद्म उत्थित हुआ है यही सर्वात्म संबंध युक्त, सर्वात्म संबंधी अर्थात ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड में जो जीवों का स्थिति गति सब कुछ है, ये भूर भुव स्व महाजन तपो सत्व सब कुछ इसका अंदर में है। तो एवं सर्वात्म संबंध्यम नाभ्याम पद्मम हरेर अभूत तत्रो ब्रह्म अभवत भूयोश चतुर्वेदी चतुर्मुखः, विष्णु नाभि देश से उत्पन्न हुए इस सर्वात्म संबंध युक्त और चतुर्मुखी चतुर्वेदी ब्रह्मा, ब्रह्मा का चार मुख है, ब्रह्मा का चार मुख है, और चतुर्मुख चतुर्वेदी चारों मुख से एक एक करके ऋक्षाम जुजु अथर्व चारों वेद का प्रकाश उद्गम, ताजे चतुर्मुख चतुर्वेदी ब्रह्मा यही पद्म में उदित हो गया। एवं
सर्वात्म संबंध्यम नाभ्याम पद्मम हरे हरे रभूत तत्रो ब्रह्मा अभवत भूयस चतुर्वेदी चतुर्मुख। तात्पर्य ये है गुहा विशिष्ट पुरुष से, गुहा विशिष्ट पुरुष से समष्टि जीव अधिष्ठान रूप यही पद्म का उदय होता है। गुहा प्रविष्ट पुरुष से समष्टि जीव अधिष्ठान रूप यही पद्म का उदय होता है। समष्टि देहोभिमानी, समष्टि देहोभिमानी हिरण्यगर्भ रूप मूल ब्रह्मा से भोग विग्रह रूप चतुर्मुख ब्रह्म का जन्म है। समष्टि देहाभिमानी जी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ये आदि है, और एक एक ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा जी है ये यही हिरण्यगर्भ ब्रह्मा इनके कारण है। गुहा प्रविष्ट पुरुष से पहले श्लोक में बताया था कैसे प्रविष्ट होके पूर्व कल्पों का जीवों को एकदम जगा देता है, सोया हुआ अनंत काल। सो गुहा प्रविष्ट पुरुष से समष्टि जीवाधिष्ठान रूप से ही पद्म का उदय होता है, और समष्टि देहाभिमानी हिरण्यगर्भ मूल ब्रह्मा से भोग विग्रह समष्टि देहाभिमानी हिरण्यगर्भ रूप मूल ब्रह्मा से भोग विग्रह रूप चतुर्मुख ब्रह्मा का जन्म होता है। ब्रह्मा का तत्वों का विचार करे तो ब्रह्मा को जैसे आधिकारिक देवत्व है, ठीक उसी मुताबिक तद्रूप विभिन्न अंश रूप कृष्ण तो सिद्ध, विभिन्न विभिन्न अंश रूपे श्री कृष्ण का अंश तो सिद्ध होता है। तात्पर्य तात्पर्य ये है गुहा प्रविष्ट पुरुष से समष्टि जीवाधिष्ठान रूप जो पद्म का उदय होता है। तात्पर्य ये है गुहा प्रविष्ट पुरुष से ही समष्टि जीवाधिष्ठान रूप यही पद्म का उदय होता है। समष्टि देहाभिमानी हिरण्यगर्भ रूप मूल ब्रह्मा से समष्टि देहाभिमानी हिरण्यगर्भ रूप मूल ब्रह्मा से भोग विग्रह रूप चतुर्मुख ब्रह्मा का जन्म होता है। समष्टि देहाभिमानी हिरण्यगर्भ रूप मूल ब्रह्मा से भोग विग्रह रूप चतुर्मुख ब्रह्मा का उदय होता है। ब्रह्मा जिस प्रकार आधिकारिक देवत्व सिद्ध होता है, ठीक उसी मुताबिक तद्रूप विभिन्न अंश रूप
विभिन्न अंशरूप ये जो विभिन्न अंशरूप रूपे कृष्णत्व कृष्ण अंशत्व कृष्णत्व माने कृष्ण अंशत्व ये भी सिद्ध होता है। एवं सर्वात्म संबंध्यम नाभ्याम पद्मम हरेरभूत तत्रो ब्रह्माभवत् भूयोश्चतुर्वेदी चतुर्मुखः। इसका मत विचार आता है संजातो भगवत शक्त्या तत्कालम कीलो चोदितः शिशिक्षयाम मतिम चक्रे पूर्व संस्कारो संस्कृतम ददर्श केवलम ध्यान्त्यम न्यान्यत किमपि सर्वतः। उत्पन्न होने का बाद भगवत शक्ति परिचालित ब्रह्मा पूर्व संस्कार का मुताबिक सृष्टि विषय मोती दिया है, किंतु चारों ओर अंधकार छाए हुए हैं, चारों ओर से अंधेरा छाए हुए हैं, कुछ देख नहीं पाया। आई बात समझ में? उत्पन्न होने का बाद अर्थात ब्रह्मा जब भगवान का नाभि कमल से एक पद्म बन गया, पद्म निकल आया, ये पद्म चौदह भुवन का अधिष्ठान है और ब्रह्मा अपने को आविष्कार किया इसका ऊपर बैठे हुए, आविष्कार की और कुछ समझ में नहीं आई किस लिए मेरा क्या, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इसका नीचे क्या है। ये पद्मों का जो स्टेम है इसमें बारंबार भागादौड़ी शुरू कर दिया लेकिन कुछ समझ नहीं पाए, क्योंकि कैसे समझ पाए, ये तो अप्राकृत वस्तु को प्राकृत कुछ और ना। तो इसमें क्या होता है, ब्रह्मा अपने को उत्पन्न होके भगवत शक्ति परिचालित ब्रह्मा पूर्व संस्कार का अनुसार शिष्ट विषय में मोती डाल दिया, लेकिन चारों ओर अंधेरा देखकर कुछ समझ नहीं पाए, चारों ओर से अंधेरा छाया हुआ है, चारों ओर से संजातो भगवत शक्त्या, क्या बोला, संजातो भगवत शक्त्या तत्कालम कीलो चोदितः शिशिक्षयाम मतिम चक्रे पूर्व संस्कार संस्कृतम ददर्श केवलम धान्त्यम नान्यत किमपि सर्वतः संजातो भगवत शक्त्या तत्कालम कीलो चोदितः शिशिक्षयाम मतिम चक्रे पूर्व संस्कारो संस्कृतम ददर्श केवलम ध्यान्त्यम नान्यत किमपि सर्वतः। तात्पर्य ये है, ब्रह्मा का जो सृष्टि का जो चेष्टा है ये स्वतः हो जाता है, पूर्व संस्कार है, इसीलिए ब्रह्मा का जो सृष्टि चेष्टा ये केवल पूर्व संस्कार का अनुसार ही होता है। हर एक जीव पूर्व संस्कार का अनुसार अपना स्वभाव को लाभ करता है, हर एक जीव अपना स्वभाव का अनुसार, हर एक जीव पहले संस्कार का अनुसार स्वभाव को लाभ करता है। यही स्वभावानुसारे इसी स्वभाव का अनुसार
अपना अपना संस्कार को अनुसार हर एक जीवों का अंदर में कर्म चेष्टा का उदय होता है। इसी को ही अदृष्ट व कर्मफल, इसी को ही अदृष्ट व कर्मफल बोला जाता है, इसी को ही अदृष्ट या तो कर्मफल बोला जाता है। पूर्व कल्पों में ये पूर्व कल्पों में ये जीव जो सब कर्मों किया था पूर्व में, उसी का मुताबिक स्वभाव चेष्टा का प्रकाश होता है अपने अंदर में। पूर्व कल्प में ये जीव जो सब कर्म किया है किया था, इसी का मुताबिक इसका स्वभाव चेष्टा बन जाता है। और कोई कोई जो जीव है ऐसा भी सुना है, कोई अगर सृष्टि का अंदर में ऐसा कोई अगर मिल गया, अगर मिल गया तो कभी कभी कोई योग्य जीव ब्रह्मत्व लाभ करता है, कभी कभी कोई जीव ब्रह्मत्व लाभ करता है। शास्त्रों में लिखा है अपना अपना कर्मफल का अनुसार जीवों का अदृष्ट भाग्य अपना अपना कर्मफल का अनुसार ही होता है। गीत भागवत जी महापुराण में भी भगवान ने ये बताया, गिरिराज गोवर्धन पूजा का अवसर पर भगवान स्वयं बताया, भगवान ने खुद बताया अपना अपना संस्कार के अनुसार सब वहां भी बताया। कर्म ना जायते जंतु कर्म नहीं अभिपद्धते सुखम दुखम भयम खेमम कर्म नहीं वो अभिपद्धते। संजातो भगवत्सक्त्या तत्कालं कीलचोदितः शिक्षिक्षयां मतिं चक्रे पूर्वो संस्कार संस्कृतं ददर्श केवलं ध्यान्त्यं नान्यत् किमपि सर्वतः। अर्थात ब्रह्मा का सृष्टि का जो चेष्टा है ये पूर्व कल्प का पूर्व संस्कार का अनुसार ही होता है। हर जीवों का अंदर में पूर्व संस्कार के अनुसार स्वभाव आचरण लाभ होता है, इसी स्वभाव का अनुसार जीवों का चेष्टा का उदय होता है, इसी को अदृष्ट व कर्मफल बोला जाता है। पूर्व कर्म में ये जीव कर्म किया था, इसी का मुताबिक इनके स्वभाव चेष्टा होता है। कभी कभी कोई कोई जीव योग्य जीव, कभी कभी कोई योग्य जीव लायक जीव, कभी कभी कोई जीव है लायक जीव, ये योग्य जीव, कभी कभी कोई योग्य जीव क्वालिफाइड जीव ब्रह्मत्व लाभ करता है। जैसे शास्त्रों में विचार है सौ जन्म तक अपना वर्णाश्रम धर्म का एक्यूरेटली पालन किया तो ये ब्रह्मा पद को प्राप्त करेगा पूर्व आगे कल्प में नियम है। फिर आगे का श्लोक में लिखा हुआ है चारों ओर ब्रह्मा अंधेरा ही अंधेरा, कुछ देख नहीं पाया। इसी बीच में अचानक एक शब्द कानों में आया,
अचानक उबाचो पुरोस तस्मी तस्यो दिव्या सरस्वती, भगवान का जो वाणी स्वरूप है सरस्वती, ये अंधेरे में कुछ बता दी। कौन बता रहे कुछ पता नहीं चला, एक एरियल वॉयस श्रवण करने को मिला। वो क्या है, बोले उबाचो पुरोस पुरतस्मी तस्यो दिव्या सरस्वती काम कृष्णायु गोविंदो ए गोपीजन इति ओपी। क्या बताया, ये अंधेरा में कोई आकाशवाणी हुई, ये अंधेरा में कोई आकाशवाणी हुई। क्या है, बोले वहां न जाने कौन बता रहे, ये तो हमको पता है कि सरस्वती बता रहे, भगवान का वाणी स्वरूप मतलब भगवान ही बता रहे, भगवान का वाणी स्वरूप मतलब भगवान खुद ही है। उबाचो पुरः उबाचो पुरतस्तस्मै उबाचो पुरतस्तस्मै तस्यो दिव्या सरस्वती कामो कृष्णायो गोविंदो ये पे गोपीजनो इति ओपि। ये मंत्रों बताया। इसके बाद बल्लवायो प्रिया बन्हेर मंत्रम ते दशामि प्रियम। क्या बताया, ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा जी को एक काम गायत्री मिला, उबाचो पुरहस्तस्मै तस्यो दिव्या सरस्वती काम कृष्णायो गोविंदो ए गोपीयनो इति अपि। बल्लवायो प्रिया बन्हेर मंत्रम ते दश्याति प्रियम। भगवान का जो वाणी स्वरूप दिव्य सरस्वती, तब चारों ओर अंधेरा अंधेरा ही अंधेरा दिखने वाले ब्रह्मा को बता दिया, हे ब्रह्मन, ये जो मंत्रों आपको बता रहा हूं, ये मंत्रों के द्वारा आप गोपीजन वल्लभ का पूजा करो भगवान, तब आपका दर्शन मिलेगी, दर्शन मिलेगा। कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभ, ये मंत्र ही आपका अविष्ट पूर्ति करने वाला। मैं ये मंत्रों को ओपनली बता नहीं सकता, फिर भी लिखा है थोड़ा बहुत संस्कृत में बताया, वो जो पहले वाला यही बताएंगे, इसका बाद डिटेल्स बोलना उचित नहीं है। उबाचो पुरहस्तस्मै तस्यो दिव्या सरस्वती काम कृष्णायो गोविंदो ए गोपीजनो इति अपि। बल्लभायो प्रिया बन्नेर मंत्रम ते दशति प्रियम। काम भी संयुक्त हो, ये अष्टादशाक्षर मंत्रो ये सर्वोत्तम है, जो भगवान का कृपा से भगवान का वाणी स्वरूप जो सरस्वती, इन्होंने ब्रह्मा को ऐसा बता दिया। तो ये मंत्रों के द्वारा तुम अविष्ट सिद्धि हो जाएगा, तुम्हारा अविष्ट सिद्धि हो जाएगा, तुम इसी के द्वारा तपस्या करते चलो। काम भी संयुक्त अष्टादशाक्षर मंत्र ही सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम। इनके दो वृत्ति है, एक प्रकार वृत्ति क्या है, यो शुद्ध जीवों का परम चित्ताकर्षक गोकुलपति एवं गोपीजनपति कृष्णों का गोपीजनपति कृष्णों का प्रति धावमान कराने में समर्थ है। अर्थात ये मंत्रों का द्वारा यू कैन फील अट्रैक्शन टुवर्ड्स गोकुलपति एंड गोपीजनो वल्लभ का पति गोपीजनो का पति। यही जीवों का चित्त प्रवृत्ति का पराकाष्ठा, इट इज द एब्सोल्यूट बेनिफिट फॉर वन जीवात्मा। साधक अगर निष्काम रहे तो ये रूप सिद्ध प्रेमफल प्राप्त होता है।
किंतु सकाम अगर भक्त है सकाम सकाम साधक के लिए यही सर्वोत्तम मंत्र अभीष्टदायक होता है, अर्थात जो आशा करे मिल जाता। विचार ये है ये चिद विषय में काम बीज गोलकोस्थित पद्मबद्ध निहित आई बात समझ में। चिद विषय में इसका विचार ये है काम बीज गोलकोस्थित पद्म मध्य का अंदर में पहले ही बताया था, एक नंबर से शुरू कर दो तीन चार श्लोक में ये सब चर्चा हो गया, पहले बताया था आगे 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 का श्लोक में। हमने बताया आपका याद नहीं है तो हम क्या करें। सहस्र पत्रो कमलम सहस्र पत्रो कमलम क्या क्या बताया, सहस्र पत्रो कमलम गोकुलाक्षम महत्पदम तत्कर्णिकारो तद्यामो तद अनंतांश संभवम। आई बात समझ में। उसके बाद क्या बताया, कर्णिकारम महज्यंत्रम षठोकूनम भज्रकीलकम षडंगो षठपदी स्थानम प्रकृत्वा पुरुषेण च प्रेमानंदो महानंदो रसेनावस्थितम हि यत् योति ज्योति रूपेण मोनुना काम्बीयेन संगतम तत्किंजल तत्किंजलकम तदंशानम तत्पत्राणि श्रियामपि। याद है पहले बताया था ये सब। तो ये जो जो निष्काम भक्त है साधक निष्काम होने से ये बीज के द्वारा बीज संयुक्त ये अष्टादशाक्षर मंत्रराज अप्राकृत जगत में सेवा करने का सिद्धि दान करे। साधक निष्काम होने से सिद्ध प्रेम फल प्राप्त होता है, किंतु सकाम साधक के लिए ये सर्वोत्तम मंत्र केवल अभीष्ट प्रदायक होता है, किष्ट प्रेम नहीं। और चित विषय में काम बीज गोलकोस्थित पद्म मध्य नीतो एवं जर विषय प्रति फलित काम बीज। आई बात समझ में। चित विषय में अप्राकृत विषय में ये काम बीज गोलोक का अंदर में पद्मों का जो मृणाल है इसका अंदर में जो गोप गोपी समन्वित तो गोविंद है इसका अंदर में नहीं तो, और यही काम बीज का रिफ्लेक्टेड प्रतिफलन अगर पड़े ये जड़ विषय में जड़ विषय का प्रति जड़ विषय में प्रतिफलित काम बीज माइक जगत माइक ये जड़ जगत माइक जगत में सर्व प्रकार काम प्रद अर्थात सर्व प्रकार कामना वासना है इसका पूर्ति कर देगा। ये मंत्रों का इतना पावर है कि मत पूछो। और ब्रह्मा जी दिव्य सरस्वती भगवान का वाणी स्वरूप दिव्य सरस्वती से ये मंत्रों का ये मिला है, ठीक है। और मिलने का बाद फिर द्वारा एक आकाशवाणी में सुने ब्रह्मा जी तपस्तम तपो एतेन तबो सिद्धिर भविष्यति। ये मंत्र देने का बाद और कुछ उपदेश आकाशवाणी का रूप धारण करके ब्रह्मा को बताए, ब्रह्मा जी तम तपो तपो हे ब्रह्मन् तुम तपस्या करो मंत्रराज,
ये का जप करते हुए तपस्या करो, इसी में तुम्हारा तब सिद्धि भविष्यति, तुम्हारा सिद्धि हो जाएगा। तपस्तम तपस्तम तपो एतेन तबो सिद्धिर भविष्यति, तपस्तम तपो एतेन तबो सिद्धिर भविष्यति। अब ब्रह्मा जी ये मंत्र प्राप्त होने का बाद ना जाने कैसे वो समझा, ना जाने कैसे समझा ब्रह्मा जी को ये तपस्तम तपस्तम बोलने से एतेनो मतलब ये मंत्रों के द्वारा तुम्हारा सिद्धि, मतलब ये मंत्र जप करते रहो तपस्या करो, ये समझ में आया ब्रह्मा जी का। भगवान समझाने वाले हैं, ऐसा भी है हमने देखा किसी बात नहीं बोला, बिना बुलाए समझ गया गुरु जी का बात शिष्य, ये भी होता है, कुछ बोला नहीं लेकिन समझ गया क्या बोलना चाहता है। तपस्तम तपस्तम तपो एतेन तबो सिद्धिर भविष्यति, ये हो गया, इसके द्वारा तुम्हारा सर्वसिद्धि हो। ब्रह्मा अभी ब्रह्मा को प्रेरणा देके भगवान समझाने का कोशिश की तो ये समझ गया। अथो तेपे ससुचिरम प्रणन गोविंदम अभय, अथो तेपे ससुचिरम प्रणम गोविंदम अभयम, ये मंत्रों के द्वारा अथो तेपे ससुचिरम प्रणम गोविंदम अभयम, ये मंत्रों के द्वारा गोविंद गोविंदों को संतुष्ट करने के लिए तपस्या किया। अभयम गोविंदम से तो दीपपतिम परात्परम गोलोकस्तम कृष्णम प्रणम, संतुष्ट करने के लिए प्रीति करने के लिए ये तपस्या शुरू की। अथो ते पेश अथो अथो ते पेश सुचिरम प्रणन गोविंदमाभयम श्वेतोद्दीपपतिम कृष्णम गोलोकस्थम परात्परम, श्वेतोद्दीपपति कृष्ण गोलोकस्थ इनके संतुष्टि विधान के लिए शुरू कर दिया तपस्या अमंत्रो। प्रकृत्वा प्रकृत्वा गुणो रूपिण्या रूपिण्या पर्युपासितम सहस्व दल संपन्ने कोटि किंजल को बृंहते भूमिश्चिंतामणिस्तत्रु कर्णिकारे महासने समासीनम चिदानंदम ज्योति रूपम सनातनम शब्द ब्रह्ममयम वेणुम वादयंतम मुखाम्बुजे पिलासिनी गणवृतम स्वयं स्वयं अंशैरविष्टुतम। इसके बाद क्या हुआ बोले अथो तेपे ससुचिरम प्रणम गोविंदमाभय, वो कौन है मैंने श्वेतोद्दीपपतिम कृष्णम गोलोकस्थम परात्परम, ये जो परात्पर अखिलेश्वर है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कर इसी को। और प्रकृत्वा गुण रूपिण्या रूपिण्या पर्युपासितम सहस्र दल संपन्ने कोटि किंजल को बृंहिते भूमिश्चिंतामणिस्तत्रो कर्णिकारे महासने समासीनम चिदानंदम ज्योति रूपम सनातनम शब्द ब्रह्ममयम वेणुम वादयंतम मुखम्बुजे विलासिनी गणो वृतम स्वयं 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 रंगशय रविष्टुतम। विलासिनी गणवृतम स्वयं स्वयं अंशय रविष्टुतम, मतलब यही ब्रह्मा जी गोविंदो को रिझाने के लिए, यही गोविंद जी
यही ब्रह्मा जी गोविंद जी को संतुष्ट करने के लिए, संतोष विधान करने के लिए प्रसन्ना विजय बहु समय तक श्वेतद्वीपति गोलकोष्ठ कृष्ण का तपस्या करने लगा। इसका ध्यान कैसा है, माने चिंतामणि भूमि ते चिंतामणि भूमि में सहस्र दल संपन्न कोटि केशर द्वारा संवर्धित एक पद्म है, एक दिव्य पद्म फूल। ये पद्म फूल का कर्णिकार कोर पॉइंट में बीच में कर्णिकारे एक महासन, एक महद आसन विराजमान, और तदुपरि चिदानंद ज्योति रूप सनातन कृष्ण समासीन। चिदानंद ज्योति रूप ये सनातन श्री कृष्ण इसी में बैठे हुए हैं समासीन, और इनके मुखारविंद से वंशी ध्वनि निकल रहा है। इनके मुखान इनके मुखारविंद से मुखपद्म से शब्द ब्रह्ममय शब्द ब्रह्ममयम बेनुम बेनुम सुगीतो ही ये वंशी ध्वनि निकल रहा है। और ये गोविंदो विलासिनी गोपीगण कर्तिक अर्थात अपना अपना अंश विलास स्वरूप परिकर गणों के द्वारा अविष्ट हो पुयो अविष्ट शेब आई बात समझ में। यही उपास्य वस्तु को गुणमयी रूप धारिणी प्रकृति यही उपास्य वस्तु को गुणमयी रूपिणी प्रकृति उपासना कर रही है। तात्पर्य ये है ध्यातो विषय यदि संपूर्ण चिन्ह है, अर्थात हमारा ध्यान करने का विषय अगर परिपूर्ण चिन्मय है तथापि अपना रजोगुण स्वभाव के कारण गुणो रूपिणी अर्थात सतरज तमोगुण रूपिणी दुर्गादि रूप धारणी अपराशक्ति रूप माया पूज्य भावे कृष्ण के ध्यान कर रही है। जहां हृदय में जड़काम विद्यमान, ध्यान दे, जहां हृदय में जड़काम विद्यमान वहां माया देवी उपास्य तत्व ही पूजनीय। जहां हृदय में जड़काम विद्यमान है वहां माया देवी का उपास्य तत्व ही पूजनीय। अर्थात माया देवी का दृष्टिकोण से ये मायादेवी किसका है, भगवान का है। मायादेवी कौन है, ये मायादेवी भी भगवान का अंतरंग शक्ति का छाया है। हमने बताया दुर्गा, हमने ब्रह्म संहिता से बताया था बहुत बार, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव जस्व भुवनानि विवृत दुर्गा इच्छानुरूपमपि जस्व चाचेष्ट तेषा गोविंदमादि पुरुषम तमाम भाज। जहां हृदय में जड़काम विराजमान है, जहां हृदय में जड़काम विराजमान है उस समय माया देवी का उपास्य तत्व ही, ध्यान दे, माया देवी का उपास्य तत्व। माया देवी का उपास्य तत्व कौन है, भगवान ही है। लेकिन माया देवी का उपास्य तत्व क्यों बोला है, क्योंकि माया देवी का थ्रू हमको मिलेगा। जिसको धनम देही जनम देही जशो देही दिशो जोही जो बोलता है ना, तो जहां किसी का हृदय में जड़काम विद्यमान है वहां माया देवी का उपास्य तत्व ही पूजनीय।
तथापि माया देवी का पूजा नहीं करते हुए माया देवी का उपास्य तत्व का वर्णन। आई बात समझ में? जो चैतन्य महाप्रभु जी गंगा किनारे में बैठी हुई जो लड़की सब है पूजा कर रही थी, भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला चाल कला फूल माला सब लेके सब ग्रहण किया। अब बोले माला पहन लिया, फूल चंदन ले लिया और बोले प्रभु कह रहे हैं, प्रभु कहे आमा पूजो आमी दिवो बोर। प्रभु ने बोला गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंको। प्रभु जी ने बताया गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकर, प्रभु कहे आमा पूजो आमी दिवो बर। आई बात समझ? ये जो देवी का पास जो प्रार्थना करना है, आ देवी जो आपका डिमांड को ग्रैंड कर रहा है थ्रू भगवान, ये काम दे। आई बात समझ? देवी जो आपको दे रहा है, दे रही है सब कुछ, ये ग्रैंड कहां से? भगवान से। तो आप तो देवी का पास, धनम देही जन्म देही जशो देही दिशो जो ही आप कहते, लेकिन भागवत जी महापुराण बताया देखो आपका काम कामना वासना है भरपूर, अगर कुछ भी नहीं है जो कुछ भी हो, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार दि तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। ये भागवत जी महापुराण में है। अर्थात जहां हृदय में जरकाम विद्यमान है वहां माया देवी का उपास्य तत्व ही पूजनीय। फिर भी माया देवी का उपासना मत करो, ध्यान दे। जहां हृदय में जरकाम विद्यमान है वहां माया देवी का उपास्य तत्व ही पूजनीय। फिर भी माया देवी का पूजा मत करो, माया देवी के पास मत बोलो धनम देही जन्म दे, मत बोलो। फिर भी माया देवी का पूजा नहीं करते हुए उपास्य विषय का पूजा करना ही अभीष्ट सिद्धि का हेतु बन जाएगा, जिसका बारे में भागवत जी महापुराण में खुल्लाम खुल्ला बताया गया है। अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। यही भागवत वाक्यों का अर्थ ये है, यही भागवत श्लोक वाक्यों का अर्थ यही है। यद्यपि भगवत विभूति रूप, यद्यपि भगवत विभूति रूप दूसरा देवता लोक कोई कोई विशेष फल दाता है, तथापि बुद्धिमान व्यक्ति उसी देवता का पूजा नहीं करते हुए सर्व फल सर्व काम प्रदाता शक्ति विशिष्टो परख परखिलेश्वर परमेश्वर का चरण में दृढ़ भक्ति का साथ जनन करे। क्यों? क्योंकि देवी देवता शंकर ब्रह्मा आदि जो कुछ भी देवी मैया कुछ भी गणपति सूर्य ये लोग अपना कामना वासना भगवान का शक्ति से ही भगवान का ग्रैंड हो गया तो ग्रैंड होने के बाद आपको दे देगा। लेकिन ये लोग आपका किसी मुश्किल का किसी समस्या का जो चीज आपने मांगा है, ये मांगने वाला चीज का कुछ भरोसा है नहीं, अब आपका जिंदगी में खतरे में आ जाए तो वो लोग बोलेगा तो तू तो मांगा है हमने दे दिया, तू तो मांगा है ना मैंने दे दिया। लेकिन भगवान ऐसा नहीं बोलेगा। जैसे गोकर्ण जी महाराज जी का पिता आत्मदेव जी, पहले उसका पुत्र लड़का लड़की कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, इन्होंने जिंदगी को खत्म करने के लिए गया पानी में छलांग लगा के, क्योंकि मेरा लड़का लड़की नहीं कुछ नहीं है संतान नहीं है,
जब एक महान संत महात्मा ने बताया आपका साथ जिंदगी तक कोई लड़का लड़की कुछ नहीं, बोले वो हम नहीं सुनना चाहता है, आपका सामने मैं पानी में छलांग लगाएंगे, हमको संतान देना पड़ेगा। और महात्मा जी बड़ा समस्या में आ गया, अरे ये क्या जिद कर रहा है, देना पड़ेगा, अरे आपका नहीं है लिख, नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो हम खुदकुशी करेंगे, छलांग लगाएंगे पानी में। अरे रुको रुको, बाद में क्या हुआ, इन्होंने अपना झोली से एक फल निकाल कर दे दिया, बोले यह फल को पत्नी को खिला दी, बच्चा हो जाएगा, संतान हो जाएगा ना। लेकिन गोकर्ण जी महाराज को पता नहीं कि वो लपड़े में फंस गया, वो अपना समस्या को अपने आप खुद बुला के लाया है। अभी बहुत सारे घटना है इसमें, राज है है ना। एक तो राज है, ये पत्नी फल नहीं खाई, ये फल गो माता को खिला दी, और गो माता ने गोकर्ण जी महाराज जैसा एक महापुरुष का जन्म दी, और अपना बहन का बच्चा को लेकर बोले ये मेरा बच्चा है, पालन पोषण के लिए बहन का पास दिया है, बहन ने बियाई है, इनके दूध मेरा स्तन में दूध नहीं है, ऐसा झूठा कहेगा। बाद में क्या हुआ, यही बाद में क्या हुआ, यही आत्मदेव जी जंगल में गया रोते रोते मरने के लिए। अब क्यों जा रहे हैं, बोले भगवान मेरा ऐसा संतान नहीं चाहिए, ये संतान ने मेरा खटिया खड़ा कर दिया। अब पहले गया था संतान हमको चाहिए, अब बोल रहा है संतान क्यों हुआ, क्या काम का है ऐसा संतान, देखो क्या बात है। अगर गोकर्ण जी महाराज जी का पिताजी आत्मदेव जी अगर भगवान का पूजन करते हुए कामना करता तो हो जाता, ये तो नहीं किया, एक भगवानी है ऐसा वादा किया और कोई वादा नहीं किया। अनन्नश्चिंतन तो ये जनामाम परजुपासते तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगोक्षेम बहाम्यम, योगोक्षेम बहाम्यम, जो है उसको रखा करे, जो नहीं है उसको भी दे, उसका भी प्रोटेक्शन करे, एकमात्र भगवान छोड़ के कोई नहीं करता। अनन्नश्चिंतयन्तो तो ये नामाम परजुभासते तेसाम नित्याभियुक्तानाम, जो नित्य युक्त है मेरा साथ है, मानसिक हृदय से जुड़ा हुआ है मेरा साथ, इनके जोग और खेम मैं स्वयं बहन करता हूँ, जो है उसका प्रोटेक्शन देना, जो नहीं है उसको देना, जोगो खेम बहम, ये दूसरा कोई देवता ऐसा बाधा नहीं किया। शंकर भगवान ने बोले तूने तैने मांगा है हमने दे दिया, तैने मांगा है मैंने दे दिया, मेरा क्या कसूर है, चलो है ना। जैसे बिकासुर ने तपस्या किए शंकर भगवान का, बाद में शंकर आशीर्वाद देने के लिए आ गए, बोले हम वर देंगे, बोले जिन जिन का माथे पे हाथ धर दूं वो मर जाए, बोले ऐसे कैसा बात है, ये क्या बात है, ये भी कोई, अरे यही चाहिए। और वर देने का बाद शंकर भगवान को ही मारने के लिए दौड़ रहा है, माथे पे हाथ देगा, देखो अब शंकर खुद ही दौड़ रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का पास कोई जोगोक्षेम भगवान स्वयं वहन करता है, इसलिए शास्त्रों का विचार ये है, अगर कामना वासना भी अगर कोई व्यक्ति कामना वासना से जुड़े हुए हैं फिर भी भगवान को भजन करो, और कामना वासना बिल्कुल खत्म है फिर
फिर भी भगवान को ही भजन करो। अकाम सर्व काम बा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न जजे तो पुरुषम परम। यद्यपि दूसरा देवता देवी मैया शंकर सूर्य देवता गणपति सब आपका आपका अभिलाषा पूर्ति करने के लिए आगे बढ़ेंगे दे देंगे, क्योंकि ये लोगों के पास क्षमता है, भगवान ने दिया है, भगवान के द्वारा दिया हुआ क्षमता है, ये लोग आशीर्वाद दे सकता है, ये लोग बर दे सकता है। ब्रह्मा इसी मुताबिक दूर से माया देवी का उपास्य तत्व, ब्रह्मा इसी मुताबिक दूर से माया देवी का उपास्य तत्व रूप गोलोक विलासी कृष्ण को ध्यान किया था। यद्यपि ब्रह्मा का कामना वासना पूर्ति करके भगवान से ही सब कुछ मिला, ब्रह्मा इसी मुताबिक बुद्धिमान व्यक्ति कोई देवता पूजन नहीं करके सर्व काम सर्व फल प्रदाता शक्ति विशिष्ट परमेश्वर को ही दीर्घ भक्ति का साथ जजन करें। ब्रह्मा इसी मुताबिक विचार का मुताबिक दूर से माया देवी का उपास्य तत्व गोलोक विलासी कृष्ण का ध्यान किया था। अन्नाभिलाषिता शून्य शुद्ध भक्ति ही निष्काम भक्ति, और ब्रह्मादि का जो भक्ति है वो स्वकाम है। ध्यान दे, अन्नाभिलाषिता शून्य शुद्ध भक्ति निष्काम भक्ति, और ब्रह्मा आदि का जो भक्ति है स्वकाम है। सकाम भक्ति का अंदर में भी एक प्रकार का निष्काम अवस्था है। आप समझा नहीं, अभी क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा, महाराज ब्रह्मा जी अगर निष्काम नहीं है और नविलास है तो हमारा पूर्व गुरु, ये नहीं है विचार, कुछ और है, बाद में हम चर्चा करेंगे इस विषय में। सकाम भक्ति में भी एक प्रकार का निष्काम अवस्था है, इसी ग्रंथों का अंतिम में 5 श्लोकों के द्वारा इसका बारे में खुलासा किया जाएगा। बद्ध जीव का स्वरूप सिद्धि नहीं होने तक यही सुलभ भजन, इट इज फिजिबल भजन, इसका बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मा जी का अंदर में अगर कामना वासना नहीं है तो भगवान अपना काम कैसे करवाएगा, एक उदाहरण दे दे आप समझोगे। जैसे ब्रह्मा जी को रजगुण में विभावित किया, शंकर को तमगुण में विभावित किया, और विष्णु तो सतगुण है ही है। एक उदाहरण दे दे आपको समझ में आए। जैसे ब्रह्मा जी का अंदर में कामना वासना है, ये भगवान का ही विचार है। भगवान क्यों ब्रह्मा को रजगुण से विभावित करके ऐसा लीला किया, क्योंकि उनसे कुछ दूसरा सेवा लेना है, इसीलिए इसको रजगुण में विभावित करके सृष्टि का जुमा सौंप दिया। और यही ब्रह्मा जी ने जब चतुष्सन को बोला, बेटा हम बड़े बूढ़े हो गया, तुम काम को संभालो, बोले हम संसार नहीं करें। जब ब्रह्मा जी ने बोला शादी करो, बाल बच्चा पैदा करो, सृष्टि को बढ़ाओ, बोले हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे, बोले हम नहीं करेंगे। तो साफ दे दिया,
जा हो जाए, 4 साल का बच्चा होकर रह जाए, 5 साल का है, शादी नहीं करेगा, बोला ना। ब्रह्मा जी ने जब आदेश किया था चतुर्सेन को तुम संसार करो, बोला हम नहीं करेंगे। फिर आगे चलकर ब्रह्मा जी का जो पोता है, ब्रह्मा जी का जो पोता है ये आपका प्रियव्रत, प्रियव्रत का भी संसार करने की इच्छा नहीं, प्रियव्रत संसार छोड़ के जंगल में चला गया। अब क्या करें, नारद जी का साथ बैठकर तत्व ज्ञान सीख रहा है। इतने में इनके पिता मुनु जी महाराज बड़े बूढ़े हो गया, अपना पिताजी का पास शिकायत किया, देखो आपका पोता संसार छोड़ के जंगल में चला गया, वो तैगी बनेगा, तैगी बनेगा, तैगी में क्या रखा है बोलो, वो तैगी बनेगा, संसार नहीं करे। आप एक काम करो, कृपा करके उसको वापस लाओ, उसका हाथ में हमको सारे जुमा सौंपना है, हमको तो जाना है भजन में, उम्र हो गया। ब्रह्मा जी ने आया है, और पर्वत का गुफा का अंदर में बैठकर नारद जी महाराज इनको शिक्षा तरंग चढ़ा रहे। इतने में ब्रह्मा गया, ब्रह्मा जी खड़ा होके प्रणाम किया, सब कुछ किया, और ब्रह्मा जी ने उसको समझाया, ये देखो बेटा तुम किस लिए आ गए हो, क्या जंगल में आने से ही सब कुछ हो जाता है क्या। भयम प्रमत्व शबनीषु पिशाक, जो प्रमत्व है, जिसका काम जो है इंद्रियों जय नहीं हुआ, मन जय नहीं हुआ, वो जंगल में जाने से भी हो दिक्कत है, जंगल में जाने से भी क्या फायदा है, हैं? भयम प्रमत्व शबनीषु पिशाक, प्रमत्व व्यक्ति का जंगल में जाके भी कोई फायदा नहीं है। भयम प्रमत्तस्य वनेषु पिशाच यतः शास्ते सहषट पत्न्या जितेन्द्रियस्य आत्मरतेर्बुधस्य संसार बंधन किम नु करोति अवध्या, संसार क्या नुकसान कर सकता है तुम्हारा लिए, अगर तुम कम, अगर तुम इंद्रियो जितेन्द्रिय हो, मन को जय कर लिया, तो तुम्हारा लिए संसार क्या नुकसान कर सकता है, क्यों ना तुम संसार में जाओ, जाके संसार करो, देखो हम भी कर रहा है, शंकर भी कर रहा है, शंकर भगवान, मैं ब्रह्मा जी, मैं भी कर रहा हूँ, क्यों, ये भगवान का आदेश है, ये भगवान का आदेश है। तो ब्रह्मा जी का ये कहने से पता चलता है, ब्रह्मा जी भगवान को संतुष्ट विधान करने के लिए ये जो रजगुण से विभावित होकर जो सृष्टि कर्म में व्यस्त है, यह सकाम भक्ति में भी बाहरी दृष्टि में ब्रह्मा सकाम है, लेकिन सकाम भक्ति का अंदर भी एक प्रकार का विशेष निष्काम अवस्था है, ये बाद में आपको चर्चा करेंगे, नहीं तो ब्रह्मा को आदि कवि आदि गुरु क्यों मानेंगे, क्यों मानेंगे बताओ। तो प्रियव्रतों ने वापस आ गया, ब्रह्मा जी ने बोला देखो मैं ब्रह्मा और शंकर जी वरुण इंद्र सब अपना अपना हिसाब से भगवान का आदेश उल्लंघन नहीं किए करते हुए सेवा कर रहे हैं, आप भी करो, आप भी करो। यहां तक चर्चा की, फिर इसके बाद प्रियव्रत वापस आ गया। ऐसा बहुत सारे केस है, नवयुगंद चला गया निष्काम होके, नवयुगंद चला गया ना, ऋषभ देव का पुत्र नवजीवन वह भी चला गया, संसार नहीं करेंगे,
हर व्यक्ति का संसार अच्छा नहीं लगता, हर व्यक्ति के लिए संसार फायदादायक आनंददायक नहीं है। संसार में आनंद जरूर है, अगर नहीं है तो लोग भागादौड़ी क्यों कर रहे हैं, आनंद तो है ही है, मजा है, आनंद है, इसीलिए न कर रहा है, वो है तो है। आनंद है तभी ना कर रहा है, आनंद है तो है इसीलिए कर रहा है। लेकिन ये आनंद दो पल का है, पल दो पल का ये आनंद है। जो भी है तो फिर ये श्लोक का थोड़ा बहुत समझ में आया आपका शायद, क्या बताया, जब अष्टोदशाक्षर मंत्रों बीच के द्वारा मिल गया भगवान का वाणी स्वरूप सरस्वती जी से, तब तपस्तम तपो तपस्तम तपो एतेन तब सिद्धिर भविष्यति। इसके बाद ये तपस्या शुरू किए ब्रह्मा, अथो ते पे सुचिरम प्रणन गोविंदमव्ययम् शेतोद्दीपपतिम कृष्णम गोलोकस्थम परात्परम प्रकृत्वा गुणो रूपिण्या रूपिण्या पर्युपासतम सहस्रदल संपन्ने कोटि किंजल को बृंहिते भूमिश्चिंतामणिस्तत्रु कर्णिकारे महासने समासीनम चिदानंदम ज्योति रूपम सनातनम शब्दब्रह्ममयम वेणुम वादयंतम मुखाम्बुजे विलासिनी गणावृतम स्वयि स्वयिरंशो विलासिनी गणावृतम स्वयि स्वयिर अंशैरविष्टुतम। यहां तक हमने चर्चा की भगवान का इच्छा के अनुसार। अब आगे चलकर यह आता है, शायद इसका व्याख्या खाली हो पाएगा, फिर भी हम थोड़ा बहुत शुरुआत कर देंगे। ये काम गायत्री काम बीज ब्रह्मा जी को मिला है, और यही ब्रह्मा जी को कोई आदमी बोलता है ब्रह्मा जी का अधिकार नहीं है। ब्रह्मा जी का कैसे अधिकार नहीं है बताओ? अथो वेणु निनादस्यो त्रयी मूर्ति मयि गति स्फुरन्ति प्रविवेशासु मुखाब्जानि स्वयंभुवः गायन गायत्रीम गायतः तस्माद् अधिगत्तो सरोजज संस्कृत च आदि गुरुणा दीयोत्वम अगमत्ततः। क्या हुआ, क्या हो गया? बल जब आपटा दे ये तपस्या करने का बाद सब कुछ होने का बाद सब कुछ सक्सेस हो गया, भगवान को दर्शन कर दिया, महद आसन में बैठा हुआ है, चारों ओर गोप गोपी समन्वितम, दर्शन भी हो गया, हो गया ना। अथो बेनु निना भगवान वंशीध्वनि कर रहा है, ये समझ में आया, देखा। अथो बेनु निनादस्यो त्रयी मूर्तिमयी गति, ये वेद मात्री गायत्रीमयी त्रिपाटो सुशृंखल संयति श्री कृष्ण का बेनी ध्वनि से उत्पन्न हुआ, अर्थात कंपितो व संचलित होकर वेद मात्री वेद माता गायत्रीमयी परिपाटो श्री कृष्ण का बेनी ध्वनि से स्फूर्ति लाभ करके स्वयंभू व ब्रह्मा का आठ कान, चार मुख है तो आठ कान है, चार मुख है तो आठ कान है, अष्टकर्ण में कुहर में अष्टकर्ण कुहक द्वारे मुखो पद में प्रवेश कर लो, मुखो पद में प्रवेश किया, और पद्मजनी वही गीत
निश्चिता गायत्री प्राप्त होकर आदि गुरु भगवान के द्वारा संस्कृतो संस्कृति लाभ किया। संस्कृत में, संस्कृत में संस्कार, संस्कार लाभ किया। तो ब्रह्मा का दीक्षा संस्कार सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। बाद में चतुश्लोकी में ब्रह्मा को भगवान ने दिव्य ज्ञान दे दिया, सब कुछ दे दिया। तो फिर ब्रह्मा कैसे हमारा आदि गुरु नहीं हो सकता? जब भगवान ने खुद बताया ज्ञानम परमम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगन जो ज्ञान उदितम है, ये सारे रहस्य मैं देने जा रहा हूँ, आप ग्रहण कर। इसके बाद बोला जवान हम यथा भाव यद्रुप, हमारा भाव क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, सब कुछ जवान हम यथा भाव यद्रुप गुण कर्म कह तथैव विज्ञान वस्तु ते मदनुग्रह। तुमको ये सब ज्ञान प्राप्ति हो जाए, मदनुग्रह मेरा आशीर्वाद रहा, तो फिर कैसे ब्रह्मा हमारा आदि गुरु नहीं हो सकता, बताओ। अथो वेणु निनादस्य त्रयी मूर्ति मयि गति स्फुरन्ति प्रविवेशासु मुखाब्जानि स्वयंभुवः गायत्रीं गायतः तस्माद् अधिगत्तो सरोजयः संस्कृतश्च आदि गुरुणा दियत्याम अगमत्ततः। आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम रखे, कल इस विषय पर और कल न अगले सप्ताह इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। कृष्णो रक्षतु नो जगत्त्रयो गुरुः कृष्णं नमध्यं सदा कृष्णेनाखिलो शत्रुभु विनिहितः कृष्णायो तस्मै नमः कृष्णात् एव समुत्थितं जगदिदं कृष्णस्य दासो अस्मि अहम् कृष्णे तिष्ठति विश्वमेतद् अखिलं हे कृष्णो रक्षस्य मां वाञ्छकल्पतरुष्य कृपासिन्धुभ्यो वच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।